हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूँ आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये रात 8:30 बजे लेकर आज से जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं UPSC EPFO के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई हमारी MCQ सीरीज चल रही है, महाअभ्यास सीरीज, जिसमें हम आप सभी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज MCQs प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज आपका महाअभ्यास क्लास MCQ सीरीज टेस्ट 17 है, जिसमें आज हम जर्नल इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले और मैं अंबर तिवारी आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, बिना टाइम को वेस्ट किए, बिना एक सेकंड डिले के हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, ठीक है। यदि जो भी बच्चे नए हैं, मैं उन सभी से बोलूँगा कि आप नॉलेज का चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने बेल आइकन बटन को प्रेस करें। UPSC EPFO के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो है वो नॉलेज का पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है, और वहाँ पर सारा का सारा जो कोर्स अवेलेबल है उस कोर्स को एक्सेस करें, ठीक है। ये आपकी UPSC EPFO का प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है आज का कि वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू वन हु हैज सफर्ड फॉर अ ग्रेट कॉज, ठीक है ना। वी शुड ऑलवेज बी सफर्ड टू वन हु हैज सफर्ड फॉर द ग्रेट कॉज। तो भाई जल्दी से मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। फनेटिक, मार्टियर, डिवोटी या फिर पैट्रियट, है ना। तो भाई हमें हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो एक महान कार्य के लिए सफ़र कर चुका है अपने जीवन में। फनेटिक बोलेंगे, मार्टियर बोलेंगे, डिवोटी बोलेंगे या फिर पैट्रियट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है। और हम ये क्लासेस देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम बहुत सिस्टमेटिक आप सभी को बेटा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये हर एक क्वेश्चन में आपको ये पांचों के मीनिंग में बताऊँगा, पांचों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताऊँगा। तो इस तरह से जो 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन में करीब 40 से 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके आज के आज ही तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसी 10 से 15 क्लासेस आपको दी मिल जाएंगी और एक क्लासेस में हम 50 लेके चलते हैं, तो 10 क्लासेस में आपके 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वन वर्ड ईडियम एंड फ्रेजेस 500 आपके तैयार हो जाएंगे 10 लगभग 20 क्लासेस में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मार्टियर, है ना। जो शहीद होते हैं, जो अपने देश के लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं, उनका हमें क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब क्या होता है, पर्सन filled with excessive and single-minded zeal, especially for an extremely religious or political cause, ठीक है। आई होप सभी लोग समझ पा रहे होंगे फनेटिक क्या होता है भाई, कि हर एक व्यक्ति जो एक तरह से किसी भी रिलीजियस या पॉलिटिकल कॉज में होते हैं ना, जैसे अंधभक्त होते हैं आजकल हम सभी ने देखे हैं, है ना, किसके लिए होते हैं किसके लिए नहीं होते मैं नहीं बोलना चाहूँगा। तो वैसे आप सभी ने देखा होगा कि कुछ लोग धार्मिक भी कट्टरपंथी हो जाते हैं और अननेसेसरी उस का जो है गलत कॉज गलत वे में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फनेटिक होते हैं बोलेंगे जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, चाहे वो धार्मिक रूप से हों चाहे वो पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से। मार्टियर तो हम देख ही चुके हैं भाई। डिवोटी हम सभी को पता है, जैसे कि आप सभी लोग जो हैं वो एस्पिरेंट हैं और एक जो एक डिवोटी हैं अपनी स्टडी के लिए, है ना। डिवोटी मतलब जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम उनके भक्त होते हैं, तो डिवोटी, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, डिवोटी कहलाएगा। पैट्रियट मतलब हम सभी को पता है देशभक्त, ठीक है। पैट्रियट मतलब क्या होता है, देशभक्त, पर्सन हु इज़ वैगरसली सपोर्टेड द कंट्री एंड prepared to defend it against enemies or detractors, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, होप क्लियर होता जा रहा है। सेशन को लाइक करते जाएं, साथ ही अपनी लाइव चैट के थ्रू अपने सही आंसर भी देते जाएं, ठीक है। और सभी बच्चों से बोलूँगा कि एक पेन कॉपी लेके बैठे ताकि शॉर्ट फॉर्म में नोट भी करते जाएं, ताकि आपकी भी एक तरह से डेटाबेस तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन आज एक स्क्रीन पर ये रहा, सेकेंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, रवि इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हिज परसिसिव एंड फ्लुएंट स्पीच, है ना। रवि ने सभी को अपनी परसिसिव और फ्लुएंट स्पीच से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, इम्प्रेस किया। तो इस पूरे के पूरे वक्तव्य को, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को हम सिंगल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, डिस्कोर्स, एक्सप्रेशन, एलिक्वेंस या फिर लेक्चर, क्या बोलेंगे भाई। देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन के द्वारा आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। आई नो कि वर्ड्स थोड़े से टफ है, लेकिन एलिमिनेशन यदि आप लगाएं थोड़ा सा जनरल सेंस में, तो इसका आंसर तो मेरे हिसाब से बहुत आसान है। सभी के बस 20 सेकंड है इसका आंसर देने के लिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एंड इट इज़ एलिक्वेंस, ठीक है, एलिक्वेंस।
डिस्कोर्स क्या होता है, रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट, है ना। जब आप दो लोगों के बीच डिबेट चलता है ना, चाहे वो रिटन हो या वर्बली हो स्पोकन फॉर्म में, तो उसको डिस्क्लोजर बोलते हैं। एक्सप्रेशन तो हम सभी को जानते हैं भाई, एक्सप्रेस करना चीज़ों को। एंड एलोक्वेंस का मतलब क्या है, फ्लुएंट और पर्सिसिव स्पीकिंग और राइटिंग। और लेक्चर क्या होता है, हम सभी को पता है, एजुकेशनल टॉक, जैसे कि मैं आप सभी को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड अ लिस्ट ऑफ गुड सेंट विद द प्राइज अलॉन्ग विथ द पार्सल सो दैट द पेमेंट कैन बी डन इमिजिएटली। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपको वो चीज़ भेजनी है, क्या भाई, एक तरह की लिस्ट भेजनी है गुड, जो जो आपने गुड्स भेजे हैं और जिसमें उनकी प्राइस होगी गुड्स के साथ। तो भाई इस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, एजेंडा, एनवाइज, कैटलॉग या फिर इन्वेंट्री। देखिए बहुत आसान है, अगेन यदि आपको सही आंसर भी नहीं पता और वर्ड्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, तो आप एलिमिनेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एलिमिनेशन के माध्यम से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। सभी बच्चों को लाइव चैट के थ्रू आंसर देना है, आपस में बात नहीं करनी है बच्चों, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, एंड इट इज़ एनोवाइस। ठीक है, हम सभी को पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को खरीदते बेचते हैं तो उसका एनोवाइस देते हैं कि भाई क्या क्या भेजा हमने, किस किस चीज़ की कितनी कितनी प्राइस है, तो एनोवाइस। एजेंडा हम सभी को पता है भाई, एजेंडा क्या होता है, जो चीज़ें किसी मीटिंग में डिस्कस करनी हो तो उन्हें हम बोलते हैं एजेंडा। इनोवाइस क्या होता है, इनोवाइस तो हम देख ही चुके हैं भाई। कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग क्या होता है, एक कम्प्लीट लिस्ट होती है आइटम्स की, जो जो आइटम्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आप सेल कर सकते हैं। और इन्वेंट्री क्या होती है, कम्प्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज अ प्रॉपर्टी, गुड्स इन स्टॉक और इन कंटेंट ऑफ अ बिल्डिंग, इन्वेंट्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपसे एक स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से फटाफट से रीड करिए। अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आर। इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ओ एफ है, ओ डी लिख गया। द केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आर। इसे हम क्या बोलेंगे, एम्बार्कमेंट बोलेंगे, प्रमोशन बोलेंगे, कंजर्वेशन बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे या फिर एनहांसमेंट बोलेंगे, क्या बोला जाएगा इसे, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट से। द केयरफुल प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटाफट से। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, एंड इट इज़ कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन जो है इसका सही आंसर है, कि वाइल्ड लाइफ को आपको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एम्बार्कमेंट तो हम सभी को पता है भाई, कि एम्बार्कमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लैंडिंग अ पैसेंजर शिप और एन एरोप्लेन विद पैसेंजर और मिलिट्री पर्सनल रिलेटेड टू द ओवरलैपिंग द इंडिविजुअल बोर्डिंग ऑन द एयरक्राफ्ट शिप। देखिए एम्बार्कमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल जमीन और जमीन से ऊपर उठा हुआ एक जो सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है उसे हम एम्बार्कमेंट कहते हैं। वैसे कई जगह यूज़ किया जा सकता है ना, कुएं के चारों तरफ भी एम्बार्कमेंट आप बनाते हैं, एक चबूतरा टाइप जो आप बनाते हैं वो एम्बार्कमेंट है एक्चुअल में। प्रमोशन तो हम सभी को पता है, एक्टिविटी टू सपोर्ट सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, गोड्स या फिर किसी तरह की एक्टिविटी को आप प्रमोट करना चाहें तो। और कंजर्वेशन तो हम देख ही चुके हैं, और मैनेजमेंट से भी हम फैमिलियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप सभी को समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो बेटा जल्दी से कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे थम्स अप देकर बताते जाएं, कोई डाउट है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सो क्वेश्चन फिफ्थ इज हियर दैट द सर्वेंट हैड नॉट इवन लेफ्ट द प्लेस व्हेन अ सडन रश ऑफ विंड ब्लू अवे द क्लोथ्स विच ही हैड जस्ट ट्राइड। द सर्वेंट हैड नॉट इवन लेफ्ट द प्लेस व्हेन द सडन रश ऑफ विंड ब्लू अवे द क्लोथ विच ही हैड जस्ट ट्राइड। ठीक है ना, तो भाई ये बोल रहा है कि जो सर्वेंट है, जो नौकर है, वहाँ से हट ही नहीं पाया था, कि तभी सारे के सारे एक तेज हवा का झोंका और उसने सारे के सारे कपड़ों को उड़ा दिया जो उसने अभी टांग कराया था। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तेज हवा का जो झोंका है उसे क्या बोलेंगे, ब्रीज, स्ट्रॉम, गेल, टाइफून या फिर गस्ट, क्या बोलेंगे बेसिकली। देखिए पूरे सेंटेंस में आपको सेंटेंस फॉर्म में चीज़ें लगाई गई यहाँ पर, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सके भाई, है ना। लेकिन आप लोग तो भाई काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से तो कन्फ्यूज़ होने से रहे आप लोग, है ना। ठीक है, तो प्रॉपर समझदारी से आंसर देंगे सभी लोग इसका, प्रॉपर समझदारी से सभी लोग आंसर देंगे इसका। तो क्या बोलेंगे इसे, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, गस्ट। जो एक हवा का, तेज हवा का जो झोंका होता है उसे हम गस्ट बोलते हैं।
ब्रीज क्या होती है, जब ठंडी हवा चलती है, शांत ठंडी हवा चलती है, जेंटल, उसे हम ब्रीज बोलते हैं। मान लो आप अभी गर्मियों का दिन चल रहे हो, जब आप शाम को कभी कभी जब थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है और आप छत पर खड़े होते हो और हल्की हल्की ठंडी हवा आपको लगती है, तो उसे हम ब्रीज बोलेंगे। स्टॉर्म तो हम सभी को पता है कि बहुत तेज़ हवा चले, लोगों के घर की छतरें उड़ जाएँ, तो उन्हें हम स्टॉर्म बोलते हैं। गेल क्या होता है, बहुत स्ट्रांग। गेल में क्या होता है, चक्रवात भी आ जाता है, उस टाइप की चीज़ें। टाइफून गेल से ज़्यादा पावरफुल होता है। देखिए, स्ट्रोम और गेल जो होता है ना, वो इस छोटे से रीजन में आते हैं, लेकिन टाइफून एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल रीजन में आता है। जिस्ट क्या होता है, एकदम से हवा, तेज हवा का झोंका। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, चलो ध्यान से पढ़िए और सभी लोग फिर इसका आंसर करेंगे। द एजुकेशन इन प्रिमिटिव गुरुकुल्स कंप्राइज मेनली ऑफ टेलिंग द स्टोरीज ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स एंड हीरोज। तो बेसिकली यहाँ पर गॉड्स एंड हीरोज की जो स्टोरी है, उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। कंटेक्स को समझिए, इस पूरे सेंटेंस में कुछ वर्ड्स छुपा दिए गए हैं जिनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। समझ पा रहे हैं आप लोग इन चीज़ों को? तो दिया, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इसमें सिर्फ सीधा सीधा आपको वो मीनिंग नहीं पूछी कि भाई दिस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये कि जिस स्टेटमेंट, जिसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला गया है ना, उसको इनडायरेक्टली एक स्टेटमेंट में फंसाया गया और फिर आपसे पूछा गया। सो दे आर वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आपको समझनी होंगी चीज़ यहाँ पर। सो द एजुकेशन इन प्रिमिटिव गुरुकुल्स कंप्राइज मेनली ऑफ टेलिंग द स्टोरीज ऑफ ओल्ड टाइम्स एंड गॉड्स और हीरोज। तो बेसिकली जो पुराने गुरुकुल्स होते थे, वहाँ पर पढ़ाने का तरीका क्या होता था, बच्चों को कहानियाँ ही सुनाई जाती थी पुराने समय की, गॉड्स की, हीरोज़ की, लेजेंड्स की। तो उन कहानियों को हम क्या बोलते थे, ओड बोलते थे, ऑप्शन बी एपिक बोलते थे, ऑप्शन सी एलर्जी बोलते थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी लेजेंड्स बोलते थे। क्या बोलते थे उन्हें, जल्दी से फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे इसका। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर डी, एंड इट इज लेजेंड। क्या है, लेजेंड। आप सभी ने देखा होगा आजकल मूवी चलती है लेजेंड्स ऑफ नॉर्निया करके एक मूवी आई थी, लेजेंड्स ऑफ टेंटन, इस तरह की चीज़ आती थी। तो लेजेंड्स का मतलब होता था विख्यात कहानियाँ, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ओड क्या होता है, ओड जो होता है वो एक लिरिकल पोएम होती है, टिपिकली वन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिटेन और वेरिड और इरेगुलर मैटर, ठीक है। तो आपको समझना होगा ओड क्या होती है, बेसिकली एक लिरिकल पोएम होती है जो बिल्कुल भी कंटेक्स्ट में नहीं लिखी होती है, बट किसी चीज़ के बारे में बता रही होती है, नरेट कर रही होती है। एपिक तो हम सभी को पता है, एक बहुत लॉन्ग पोएम, जैसे कि हमारी महाभारत एक पोएम के फॉर्म में लिखी हुई, लेकिन एक बहुत लंबी पोएम है, तो एपिक है वो। एलर्जी क्या होती है, एलर्जी क्या होता है, एक स्टोरी पोएम होती है। स्टोरी पोएम क्या होती है, एलर्जी क्या होती है, एक स्टोरी पोएम होती है जो पोएम के फॉर्म में किसी की स्टोरी को नरेट किया जाता है। आई होप सभी लोग याद कर पाएंगे इस चीज़ को, नोट कर लीजिए। सभी बच्चों से आशा है कि सभी लोग नोट करोगे, कितने लोग नोट कर रहे हैं चलो लाइव चैट के थ्रू मुझे नोटिफाई करें, कितने बच्चे जो हैं जो इसे नोट कर रहे हैं मुझे लाइव चैट के थ्रू फटाफट से नोटिफाई करो जल्दी से, हाँ हाँ बोलकर जल्दी आए। ऑप्शन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सुनील वॉज बाइंग टिकट्स एट द काउंटर व्हेन सडनली ही नोटिस्ड अ लेडी पर्स लेइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। लेइंग ऑन द फ्लोर का यहाँ पर आपको वर्ड वर्ड बताना है, समझ लीजिए। तो सुनील जब टिकट खरीद रहा था, तब उसे सडनली काउंटर पर एक नीचे महिला का पर्स पड़ा हुआ देखा। तो इसका सही मीनिंग क्या होगा, वन वर्ड क्या होगा इसके लिए, रेटिकल, पैरासॉल, वेस्टिबल या फिर वैली या फिर वेल, क्या जो होगा इसके लिए सही वन वर्ड होगा, जरा जल्दी से बताइए, अच्छे शांत दिमाग से पढ़िए, फिर इसका मुझे आंसर कीजिए कि सुनील वॉज बाइंग टिकट्स एट द काउंटर व्हेन सडनली नोटिस्ड लेडीज पर्स लेइंग ऑन द फ्लोर। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेटिकल, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके लिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं रेटिकल क्या होता है, भाई एक वुमेंस स्मॉल हैंडबैग, महिलाओं का जो छोटा पर्स होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। पैरासोल, अ लाइट अम्ब्रेला यूज्ड टू गिव शेड फ्रॉम द सन, है ना, एक छोटा सा अम्ब्रेला जो धूप से बचाने के लिए लगाया जाता है ना, आप सभी ने देखा होगा दुकान उकान वाले लगाए रहते हैं, उन्हें पैरासोल बोलते हैं, है ना। वेस्टिबल क्या होता है भाई, कि एन एंड चैम्बर हॉल और लॉबी नेक्स्ट टू आउटर डोर ऑफ द बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग के गेट के बाहर जो लॉबी होती है ना बड़ी सी, जैसे कॉलेजेस में होता है जहाँ पर मेन गेट के बाहर एक लॉबी सा होता है, बड़ा सा एरिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिबल बोलते हैं। और व्हील क्या होता है, आप
पीस ऑफ फाइन मटेरियल वॉर्न बाय वुमन टू प्रोटेक्ट अ कॉन्सील और फेस, है ना, महिलाएं जो अपने फेस को बचाने के लिए जो कपड़ा बांधती है ना फेस कवर, उसे यहाँ पर वेल बोला जाता है। ठीक है गाइस, क्या सभी चीज़ें सभी के लिए क्लियर है? जरा मुझे जल्दी से बताइए, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, और यदि चीज़ें समझ आ रही हैं तो मुझे थम्स अप देकर लाइव चैट के थ्रू बताओ भी जरा। एट्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मोस्ट कॉमन लोकल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ब्रिटिश टाइम्स वॉज अ टू व्हीलर कैब फॉर टू टू राइड इनसाइड विद ड्राइवर माउंटेड अप बिहाइंड, है ना। तो जो ब्रिटिश काल थी उस समय सबसे पॉपुलर जो आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक तरह की गाड़ी हुआ करती थी, वो क्या होती थी, दो दो कार वाली एक बग्गी टाइप हुआ करती थी, ठीक है, जिसके ऊपर जो है ड्राइवर बैठा होता, तो उसे आप क्या बोलते हैं, कैरिज, वैगन, लोकोमोटिव या फिर हैंसॉन। ठीक है, एक बार फिर से हम बात करते हैं, द मोस्ट कॉमन लोकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ब्रिटिश टाइम्स वॉज अ टू व्हील्ड कैब फॉर टू टू राइड इनसाइड विद ड्राइवर माउंटेड अप बिहाइंड, इसे क्या बोलते हैं, हम कैरीज बोलते हैं, बेगन बोलते हैं, लोकोमोटिव बोलते हैं या फिर हैंसम बोलते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एंड इट इज़ हैंसम, ठीक है ना। तो कैरीज क्या होती है, कैरीज जो होती है एनी सेपरेट सेक्शन ऑफ ट्रेन दैट कैरी पैसेंजर, है ना, जो बोगी होती है ना, बोगी हम बोलते हैं ना ट्रेन के डिब्बे या ट्रेन की बोगी, उन्हें हम कैरीज बोलते हैं। वैगन क्या होता है, व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और अनदर स्पेसिफिक पर्पस, है ना, जो सामान को यातायात या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने के लिए जो ट्रक टाइप होते हैं उन्हें वैगन बोलते हैं। लोकोमोटिव तो हम सभी को पता है भाई, रेलवे व्हीकल्स को लोकोमोटिव बोला जाता है, जो ट्रेन को पुल करते हैं इंजन्स बेसिकली, और हैंडसम तो हम देख ही चुके हैं। अगले की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि स्टडी द इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ अ न्यूली एवॉल्विंग ब्रांच ऑफ साइंस। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को बेसिकली यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। ज्योग्राफी, एथनोलॉजी, जियोलॉजी या फिर इकोलॉजी, क्या बोला जाता है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को? तो आई डोंट थिंक कि किसी को किसी तरह की समस्या इस क्वेश्चन में तो आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसका सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, एंड इट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट है। ज्योग्राफी क्या होती है भाई, स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ जो है, या किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन के फिजिकल फीचर्स की स्टडी ज्योग्राफी कहलाती है। एथनोलॉजी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना, लोगों के बीच अलग अलग बर्ताव, उनके रिश्तों में अलग अलग बर्ताव को हम क्या बोलते हैं, एथनोलॉजी बोलते हैं इसकी स्टडी को। जियोलॉजी हम सभी को पता है, फिजिकल स्ट्रक्चर और सब्सटेंस अर्थ के अंदर के जब हम इन्हें देखते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, तो हम इसे जियोलॉजी बोलते हैं। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10, अ लाउड टॉक और स्पीच इज़ नेवर इम्प्रेसिव। तो जो लाउड टॉक और स्पीच होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जो कि कभी इम्प्रेसिव नहीं होती है, क्या बोलते हैं इसे? मैंग्लियोकेंस, ऑप्शन बी हैरी, ऑप्शन सी इरिडेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैलेवलेंस। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर है अ लाउड टॉक और स्पीच के लिए? जरा जल्दी से फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे, एंड देन वी विल फिनिश द क्लास विद दिस लास्ट वन। फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे यार, मज़ा आ जाए जिसमें। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ हैरिक। ठीक है, और यहाँ पर बाकी सारे वर्ड्स की भी मीनिंग आप लिखी हुई है, एक बार आप इन्हें ज़रूर पढ़ें, दे आर वेरी हेल्पफुल। ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी रही थी, क्या हेल्पफुल थी। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, थैंक यू सो मच।